तो गाइस देख सकते हैं अभी एलन की जो नट है बहुत ज़्यादा टाइट है, एक एलन की टूट गया है और ये वाला गाड़ी से निकाले अभी, देखते हैं ये कितना देर तक साथ दे रहा है। ले गया दूसरा एलन की भी टूट गया, ये वाला गाड़ी वाला था मेरा। गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आर यू मोटो ब्लॉग्स। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं कोरमा जी, जो यहाँ पे सामने में एक टोल टैक्स है, वो टोल टैक्स के पास आए हुए हैं। और आज हम मेरे गाड़ी पे आज होगा एलॉय पेंट होगा, और कौन सा पेंट होगा वो अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे आए हुए देख सकते हैं, ये जो है जहाँ पे अनिल अपना स्टिकरिंग वगैरह का काम कराता है, वहीं पर मेरा आज गाड़ी का एलॉय पेंट होगा। तो अभी दिखाएँगे थोड़ी देर में, अभी चक्का खुलने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो ये रहा मेरा रियर वाला टायर खुल रहा है। तो गाइज अभी क्या हुआ कि जो मेरे बाइक में ये जो है एलेंकी, इसमें ये हम लोग का जो दिया हुआ है एलेंकी वो 10 नंबर का है, 10 mm, और इसमें जो एलेंकी लगेगा मेरा में वो है 12 mm, तो ये खुल नहीं रहा है। तो अभी एलेंकी मंगाना पड़ेगा क्योंकि ये अलग सिस्टम दे दिया हुआ है, पहले ऐसा वाला ड्यूक 390 में ऐसा कुछ नहीं था। तो रियर सेक्शन वाला जो टायर वो खुल चुका है और फ्रंट वाला में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए अभी एलेंकी आएगा तभी खुलेगा फ्रंट वाला। तो ये रहा मेरा फ्रंट टायर भी खुल गया बहुत मुश्किल से, और वो एलेंकी अभी लेके आए तभी जाके खुला वो वाला फ्रंट वाला टायर, वो जो दिख रहा है आपको सामने वो वाला खोलने में बहुत टाइम लग गया। ये लेके आए टी रेंज, इसी से खुला, तो दोनों खुल गया है दोनों टायर, मतलब टायर नहीं रिम दोनों खुल गया है। टायर निकालने गए, एक रिम तो यहाँ पर रखा हुआ है और एक टायर अभी लेके गए भैया। तो गाइस देख सकते हैं अभी एलेंकी जो नट है बहुत ज़्यादा टाइट है, एक एलेंकी टूट गया है और ये वाला गाड़ी से निकाले अभी, देखते हैं ये कितना देर तक साथ दे रहा है। ले गया बलिदान। दूसरा एलेंकी भी टूट गया, ये वाला गाड़ी वाला था मेरा, ये भी गया, बहुत ज़्यादा टाइट किया हुआ है। देखते हैं ये रहा मेरा एलेंकी, ये भी टूट गया। अब अनिल देखते हैं कौन सा एलेंकी निकाल रहा है, इसके पास कौन सा है, कौन सा कंपनी है, ये कुछ लिखा ही नहीं है यार कंपनी की, यार छोड़िए ना। तो गाइस देख सकते हैं अभी क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो एलॉय को जो है पेंट ऑयल में उसको अभी रगड़ना पड़ेगा सैंड पेपर से, तो रगड़ के उसके बाद ही इसमें पेंट होगा। और ये जो रियर वाला रिम है और फ्रंट वाला वो है, तो दोनों में अभी रगड़ेगा इसको अच्छे से, उसके बाद ही मतलब ये कलर छूटेगा, शायद ये कलर छूटेगा कि ऐसे ही निकले हल्का रफ हो जाएगा, रफ प्लेन नहीं लगेगा। तो भाई देख सकते हैं हम लोग का जो एलॉय है वो टेपिंग वगैरह कर दिए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट है नट तो खुल नहीं रहा था, तो इसलिए हम सोच रहे हैं डिस्क को टेपिंग कर दिए। ये फ्रंट वाला है और डिस्क देख सकते हैं कितना बड़ा है, तो अभी पेंट होगा। रियर रियर वाला तो इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं इतने लोग लगे हुए हैं खोलने के लिए। पेंट एलॉय को पेंट करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो सैंड पेपर से इसको रब करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइन रहता है, तो इसको रफनेस करना पड़ता है इसको रगड़ के, तो उसके बाद ही इसमें पेंट होगा। उसके बाद अच्छे से उसको वॉश वगैरह करके, उसके बाद सूखने के बाद फिर से इसमें पेंट चढ़ेगा। देख रहे हैं वो अलग खुल रहा है। सो गाइस देख सकते हैं अभी जो इसमें प्राइमर मारे हैं और उसके बाद अभी पेंट होगा, तो प्राइमर अभी शायद दो लेयर मारेगा, तो देख सकते हैं। और वो अभी रखा हुआ है, उसके बाद ये पहले ये होगा उसके बाद वो होगा, और वो देख शटर बंद किए क्योंकि गाड़ी में लग जाएगा स्प्रे, इसीलिए। तो गाइस देख सकते हैं हम लोगों ने वो डिस्क निकाल दिया, क्योंकि एक एलेंकी नहीं मिल रहा था, दो एलेंकी टूट गया, और तो एक एलेंकी अभी बाहर से लेके आए, तो वो खुल गया। और देख सकते हैं ये एलॉय, ये प्राइमर हुआ है अभी पेंट नहीं हुआ है, और अभी ये दूसरा वाला एलॉय देख सकते हैं, इसमें प्राइमर चढ़ेगा, देखिए कर रहा है प्राइमर। इसको अच्छा से पेपर पे सेट, गाइस देख सकते हैं अभी जो सीट वाला जो पैनल है ऑरेंज, इसको भी हम ब्लैक करने जा रहे हैं, तो इसमें अभी भी इसमें पहले तो प्राइमर इसमें होगा, इसको पहले रगड़ना पड़ेगा शायद, और उसके बाद इसमें प्राइमर चढ़ेगा, उसके बाद पेंट, उसके बाद इसमें भी वो क्लियर कोट।
सो गाइस देखें आप लोगों ने यहाँ पे जो मडगार्ड है उसको, वो ग्रे कलर का रहता है, उसको भी हम ब्लैक पेंट कर रहे हैं और ग्लॉसी ब्लैक में। तो मडगार्ड भी खोल दिए हैं और जो सीट का आपको दिखाएं पैनल, ये भी ऑरेंज रहता है, इसको भी हम ब्लैक करवा रहे हैं। तो ठीक है, और ये जो है दोनों देखते हैं, इसको अभी इस पर प्राइमर मार के इसको रगड़ रहे हैं। देख रहे हैं अभी मडगार्ड को अच्छे से धो के और उसमें वो सैंड पेपर से उसको घिस के उसको रखने, मतलब रख करना पड़ता है ताकि अच्छे से पेंट वगैरह स्प्रे से ले। और अभी इसमें भी पहले तो प्राइमर होगा, तो मडगार्ड में प्राइमर चढ़ रहा है, देख सकते हैं पूरा ग्रे कलर का था, उसको ग्लॉसी ब्लैक हो जाएगा। अनिल क्या बन रहा है? ये पेंट बन रहा था पूरा, मिक्स किया जा रहा था, जो वो उसको क्या बोलते हैं थिनर से, थिनर और पेंट एक दूसरे में मिला के ये करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। और अभी यार और एक केमिकल मिलाया जा रहा है गाइस, उबाल मार रहा है गाइस। सो गाइस देख सकते हैं मेरा बाइक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि मेटालिक ब्लैक कलर आ गया था, और वो मेटालिक ब्लैक किस तरह से लग रहा था दिखा रहे हैं आपको, ये रहा। तो ये मेटालिक ब्लैक है, तो ये थोड़ा हल्का ग्रेस टाइप का आ रहा है, तो हमको ऐसा एलॉय का कलर नहीं चाहिए था, हमको पूरा ग्लॉसी ब्लैक में एलॉय चाहिए था, तो इसीलिए मेटालिक ब्लैक हम कैंसिल कर दिए। तो ये देख सकते हैं मडगार्ड भी मेरा हो चुका था, मडगार्ड में बस प्राइमर चढ़ा है, वो भी ब्लैक कलर का प्राइमर है अभी। और आपको दिखा रहे हैं, देखिए गाड़ी कम्प्लीट खुला हुआ है, सीट भी खुला हुआ है, आगे का रिम खुला हुआ है, और पीछे वाला टायर तो उसी टाइम से खुला हुआ था। और ये रहा देख सकते हैं, ये भी प्राइमर हुआ है, और पीछे वाला सीट उधर है, और इधर प्राइमर और मेटालिक कलर किया हुआ था, एक राउंड किया था, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये ग्रेइश टाइप का आ रहा है, तो इसीलिए हम सोचे कि नहीं हमको कंप्लीट ब्लैक ही चाहिए। तो अभी पेंट लाने के लिए गया है, तो फिर आज तो काम होगा नहीं, आज तो पेंडिंग रह गया, अब कल ही बाइक मिलेगा। तो आज काम तो पेंडिंग रह गया। चाबी कहाँ है? चाबी तुम ही चला के लाया ना? भीग तो गया। ठंडा गया का? देखें दो सेल्फ हुआ और देखिए सेल्फ, तीन सेल्फ। तो गाइज हम लोग का यहाँ पे जो पेंट लाने गया था, तो पेंट तो मिला नहीं क्योंकि दुकान हो गया था बंद, तो काम हम लोग का रह गया पेंडिंग, और हम लोग को बाइक भी नहीं मिला आज। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर, अब कल ही आएंगे बाइक लेने के लिए। सो गाइज जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि दो दिन पहले मतलब गाड़ी दिए हुए थे हम पेंट होने के लिए, और जो अलॉय पेंट करने के लिए दिए थे, और सो तो गाड़ी दिया वो मेरा आज दो दिन पार हो चुका है, आज तीसरे दिन पे हम जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। अब देखते हैं कैसा किस तरह से पेंट हुआ है, और बस पहुँच ही गए हैं, टोल गेट पार कर गए, और यहीं पर जस्ट थोड़े से आगे में ही दुकान है जहाँ पर गाड़ी कस्टम हो रहा है अभी, रैप वगैरह और अलॉय पेंट वगैरह। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि गाड़ी में कितना काम हुआ है, क्या हुआ है। तो अनिल और मेरा फ्रेंड पहले पहुंच चुका था, तो हम थोड़ा अभी लेट से आ रहे हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको बाइक। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं शॉप जहां पे मेरा गाड़ी का कस्टम रैप वगैरह और मतलब जो अलॉय पेंट वगैरह हुआ है, तो अभी आपको दिखाएँगे बाइक। तो ये रहा बाइक सामने यहीं पर, तो देख सकते हैं अलॉय, ये रहे अलॉय, ग्लॉसी पेंट करवाएं पूरा ब्लैक में, और यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ब्लैक कलर का इसमें रेडियम मार देंगे,
थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, तो पेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। और ये ग्लॉस में किए हम देख सकते हैं, हम जो फेयरिंग है उसको भी हम ब्लैक कर दिए हैं, ग्लॉसी ब्लैक। इसमें अभी हम कुछ सोच रहे हैं इसमें ग्राफिक्स वगैरह कुछ डिज़ाइन वगैरह देने के लिए, अभी देखते हैं कौन सा अभी कर रहे हैं, देख रहे हैं अभी। यानी यहाँ पे कोई डिज़ाइन देख रहा है अभी, दे रहा है तो देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा, उस हिसाब से गाड़ी में अभी खराब करवाएंगे। देख सकते हैं अभी इसमें हम लोग लेमिनेशन करवा रहे हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा स्क्रैच आता है, तो ये डिस्प्ले में को अच्छे से रखने के लिए आपको लेमिनेट करना होगा इसको अच्छे से। इसका भी लेमिनेट किया हुआ है देख सकते हैं, फिर भी इसका स्क्रैच आ गया देख सकते हैं। सो गाइस देख सकते हैं अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है मडगार्ड में, तो इस साइड थोड़ा सा रेड कलर का दिए हैं और इस जगह पर अभी खाली है। वही सोच रहे हैं कौन सा डिज़ाइन इसे यहाँ पे देंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा, तो वही अभी हम लोग सिस्टम में देख रहे हैं और कोई डिज़ाइन बनवाते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो खाली जो लग रहा है इस जगह पे भर देते हैं कुछ। देख सकते हैं मडगार्ड में थोड़ा सा ये वाला दिए हैं, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भाई लोग। और ये रहा इस, ये देखो 250 जैन थर्ड और ये 390 जैन थर्ड, तो दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। तो अभी देख सकते हैं साइड वाला जो पैनल है उसको अभी हम लोग कोई डिज़ाइन अभी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये डिज़ाइन सोच रहे साइड पैनल में देने का। सो फाइनली गाइस गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है और अभी हम आपको बाइक दिखा रहे हैं, उतना अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है और बहुत ज़्यादा रात हो गया है, करीबन 9 बज गया है हम लोग काम कंप्लीट होते होते, तो अभी आपको बाइक दिखा रहे हैं। ये रहा दोनों बाइक और हम लोग का काम यहीं पर हो रहा है हार्ट हब, और देख सकते हैं बाइक ये रहा, तो अभी उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा है क्योंकि रात हो गया, तो हम आपको दिन में दिखाएंगे अभी। तो अभी यहाँ से घर निकल रहे हैं, फिर आपको हम सुबह दिखाएंगे कि किस तरह से गाड़ी का लुक आ रहा है। तो वीडियो को अभी यहाँ पे एंड नहीं करेंगे, कल एंड करेंगे इस वीडियो को, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। सो फाइनली गाइज हम घर पहुँच चुके हैं और मेरा जो रैप है वो कम्प्लीट हो चुका है, तो आपको दिखा रहे हैं गाड़ी की कितना कैसा लग रहा है, और आपको इसका सिनेमेटिक वीडियो भी मेरे चैनल पर मतलब मेरे वीडियो पर मिल जाएगा, और कितना कॉस्ट है वो भी आपको बताएंगे अभी। तो सबसे पहले आपको गाड़ी दिखा देते हैं, ये रहा बाइक, तो इसका भी सिनेमेटिक आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं जो अलॉय है वो पेंट हो चुका है ब्लैक कलर का, ये रहा पूरा ग्लॉसी ब्लैक में, और मडगार्ड भी पेंट हो चुका है ये रहा, तो अभी थोड़ा धूल है तो फिर उतना साइन नहीं कर रहा है। पीछे वाला भी सेम है अलॉय, ये रहा, और मेरा जो ये है पैनल ये भी इसको भी ब्लैक करवा दिए हैं, और देख सकते हैं स्टिकरिंग जो ये कस्टम जो रैप करवाए हैं काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एयर ले लिया ये देख सकते हैं, तो इसको थोड़ा कट कर दिए, और यहाँ पे भी एयर लिया था तो इसको भी कट करके थोड़ा सा एयर निकाल दिए। तो आप बताइए कैसा लग रहा है गाड़ी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो ये जो रैप है और ये अलॉय पेंट, तो सब मिला के टोटल कॉस्ट अराउंड मेरा 2600 लग गया है, तो आप देखिए और कमेंट कीजिए कि गाड़ी कैसा लग रहा है। तो चलिए गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। It's down to life.